अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे शवरमा बच्चों के लिए। बच्चे ये शवरमा शौक से खाते हैं, थोड़ा डिफरेंट है और मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। मैं अपने छोटे भाई के लिए बना रही थी तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ इसको शेयर कर लूँ। पहले आपने सबसे पहले चिकन लेना है, चिकन ब्रेस्ट पीस, उसको लंबा लंबा काट लेना है। और उसके बाद 1.5 टेबल स्पून आपने काली मिर्चें लेनी है और 2 टेबलस्पून आपने लेना है नमक। इसके बाद 3 टेबलस्पून आपने भर के सोया सॉस डाल देना है। फिर आपको इसकी कोटिंग के लिए अंडा, मैदा और ब्रेड क्रम्स चाहिए। सबसे पहले मैंने कोटिंग की है अंडे की, फिर मैदे की, और फिर इसके बाद दोबारा अंडे की कोटिंग करके मैंने इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा दिए। आपने नमक डालना है थोड़ा सा अंडे में, ताकि ये जो है, क्योंकि 2-3 दफ़ा इसके ऊपर कोटिंग होगी तो ये थोड़ा फीका हो जाएगा। मैंने यहाँ पर चिली फ्लेक्स भी ऐड किए थे, क्योंकि मेरा भाई थोड़ा सा ज़रा मतलब चिलीज़ खा लेता है। इसके बाद मैंने इसको सबको कोटिंग करके रख दिया और मीडियम फ्लेम पे ऑयल को गर्म करके इसको फ्राई कर लिया। ये स्पेसिफिक बच्चों के लिए इसलिए है क्योंकि बच्चे जो होते हैं थोड़े चूज़ी होते हैं, उनको ये टमाटर, बंद गोभी, प्याज वगैरह अच्छे नहीं लगते इन चीज़ों में, और वो साइड पे करके रख देते हैं। तो इसीलिए मैंने ये बच्चों के लिए इसीलिए स्पेसिफिक कहा, वरना बड़े भी खा सकते हैं इसको। फिर आपने सॉस के लिए सिंपल मायनीज और केचप को मिक्स कर लेना, और यहाँ पर थोड़ी सी मैंने बारबेक्यू सॉस भी डाली थी। आपने इस तरह से पीटा ब्रेड को दोनों साइड से अच्छी तरह से शॉक कर लेना, और उसके बाद ये सॉस को ऐड करना है। फिर इसके बाद आपने जो फ्राई किए थे अपने क्रंची से ये चिकन पीसेस, ये रख देने हैं। और मेरे भाई को थोड़ा सा प्याज अच्छा लगता है तो मैंने थोड़ा सा बस यही ऐड किया है। आप इसके साथ अपनी मर्ज़ी की वेजीज भी ऐड कर सकते हैं, जो आप खाना पसंद करें। और इस तरह इसको फ्राइज़ के साथ इंजॉय करें, खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। थैंक यू सो मच।